107 चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी और कुल कुल नमस्कार। जो आपने इंट्रो देखा उससे भी ज़्यादा वीडियो खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बीच सेंज वैली और तीर्थन वैली बहुत ही सुंदर लोकेशन है। उसमें से आपको सेंज वैली के यात्रा वर्चुअली यात्रा हम अपने वीडियो के माध्यम से करवाएंगे। हम तीर्थन वैली की थोड़ी सी जानकारी दे दें, जीबी और बंजार तीर्थन वैली के अंदर है। इसके अंदर गुसैनी नामक की भी लोकेशन भी वो शामिल है, लेकिन आज हमारा जो डेस्टिनेशन है सेंज वैली, इसके अंदर वाटरफॉल भी दिखाएंगे और देवरी और सराहण और सांगड़, साथ में गलजाऊँ का ट्रैक के बारे में भी बताऊंगे और मनु टेम्पल और बहुत सारी जिया वाटरफॉल है उसकी सब की जानकारी देंगे। तो बहुत खूबसूरत वैली है और यह लोकेशन उन लोगों के लिए है जो हसल बसल से दूर रहना चाहते हैं और शांति की तलाश है और ग्रामीण संस्कृति को नज़दीकी से आत्मसात करना चाहते हैं। तो पहले दिन आपको ले जाया जा सकता है मनु टेम्पल। मनु टेम्पल बहुत ही प्यारी लोकेशन है और इसके आसपास का जो नज़ारा है अपने आप में बेजोड़ है, क्योंकि शब्दों में इनको बांधना मुश्किल है। इतनी प्यारी लोकेशन है यहाँ की, और साथ में आपको वाटरफॉल पहले दिन आपको ये विजिट करवाया जा सकता है। वो आपकी इच्छा के ऊपर है, क्योंकि हमारे जो प्लान होते हैं वो कस्टमाइज कर सकते हैं, उनकी ये सबसे बड़ी विशेषता है। और ये जो सबसे ग्रेट नेशनल हिमालय पार्क है, यहाँ भी आप ट्रेक कर सकते हैं और आपको रास्ते के अंदर एक वाटरफॉल पड़ता है बहुत ही प्यारा, जैसे कि आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये वाटरफॉल आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इस वाटरफॉल का नाम है रेहला वाटरफॉल, जो सेंज से 3 किलोमीटर के ऑन दी वे ही है, आपको दिखाया जाएगा। लोकेशन और भी शानदार आने वाली है, थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा। तो ये जो लोकेशन आपके स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, ये है देहूरी। और देहूरी का जो प्राकृतिक नज़ारा है और अनटच ब्यूटी है, यहाँ लोग बहुत कम पहुँच पाते हैं, इसलिए हम ऐसी लोकेशन दिखाते हैं जो बहुत ही कम पॉपुलर हो, हसल बसल से दूर हो लेकिन ब्यूटीफुल हो। तो ऐसी लोकेशन पर इसके वीडियो बने हुए हैं। और यहाँ से आप सराहण, जहाँ एक पुंडरिक ऋषि का नाम आपने सुना होगा, वो लेक भी है, वहाँ का भी आप ट्रैक कर सकते हैं। ये जो लेक है 3 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है, लेक बहुत बड़ी है, बहुत शानदार लेक है, तो वहाँ की यात्रा भी आप कर सकते हैं। और थर्ड डे आपको लिए चलेंगे, सबसे प्यारी लोकेशन है सांगड़। सेंज वैली की सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन यही है और ये न्यूनतम हरियाली अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। और रात को अच्छी बारिश हुई और हरियाली बहुत ज़्यादा हो जाएगी आप जब आएंगे, तो ये बहुत ही प्यारी लोकेशन है। और जो सामने स्क्रीन पर है सांगचुल महादेव का मंदिर, दो टेम्पल है, एक गांव के अंदर है और एक इस मैदान के अंदर है। तो गांव वाला जो लाल रंग वाला दिखा है, वहाँ भी हम आपको अभी लिए चलेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। तो यहाँ कुछ नियम बने हुए हैं, उसके नियमों की जानकारी हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं और देहूरी सराहण के सभी के वीडियो बने हैं, उसकी प्ले लिस्ट में नीचे डाल देता हूँ, उसको आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और यहाँ घूमने के लिए हमारे टीम मेंबर है राजकुमार जी, उन अच्छे ट्रैकर हैं और ट्रैक भी करवाते हैं। और यहाँ आप ट्रैक करना चाहें, 2-3 किलोमीटर का ट्रैक है गलजाऊँ, तो इससे भी ज़्यादा बड़ा मैदान है और इससे ज़्यादा हरियाली है और इससे ज़्यादा ऊंचाई है, वन डे का ट्रैक है, वो भी कर सकते हैं। तो सांगचुल महादेव का मंदिर आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, वहाँ ले चलते हैं। तो ये मैदान में जो मंदिर है उसका आप दीदार कीजिएगा, और जय महादेव लिखना चाहें आपकी मर्जी रहेगी।
और यहाँ किसी को कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई भी जाति समुदाय से हैं मैदान में आ सकते हैं। नियम इतना है कि हो हल्ला नहीं करना है, कचरा नहीं फैलाना है, यानी एनवायरनमेंट फ्रेंडली टूरिस्ट है उनको यहाँ अच्छा सम्मान मिलेगा, अच्छा इज्जत मिलेगा, अच्छी लोकेशन है तो यहाँ के जो नियम है उनका सम्मान कीजिएगा। और जो सेकंड मंदिर जो दूर है सांगचुल महादेव का, जो ये स्क्रीन पर है ऊंचा सा ये मंदिर है, यहाँ भी आप, ये गांव के अंदर है तो आप आना चाहें तो आ सकते हैं अनुमति लेकर, लेकिन मैदान वाले मंदिर के अंदर आप आराम से जा सकते हैं। और यहाँ एक जिया वाटरफॉल भी है, वहाँ की भी यात्रा कर सकते हैं। जो हमारे साथी राजकुमार जी हैं वो अच्छे ट्रेकर हैं, अच्छा अनुभव रखते हैं, यहीं के लोकल हैं, तो उनके साथ आप बेफिक्र होकर बुकिंग कर सकते हैं। और हरियाली और बढ़ने वाली है, सुंदरता इससे भी ग्रांटेड सुंदरता ज़्यादा मिलने वाली है। और यहाँ अच्छा स्नोफॉल भी होता है, स्नोफॉल के भी वीडियो देखना चाहें या स्नोफॉल के बाद ये मैदान कैसे नज़र आता है तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और भी कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं। वीडियो को कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। जय